के प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अर्चनीय वंदनीय मधुमंगल में साधु समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बार जोर से जयकार कीजिए, श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सार सटीक से भगवान श्री राम जिज्ञासा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं और वाल्मीकि जी समाधान कर रहे हैं। ये वाल्मीकि कौन है? महर्षि है, महर्षि वाल्मीकि मुनि है। आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत हैं और ये राम को पहचान रहे हैं। क्यों पहचान रहे हैं? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भी रामवत हैं, ब्रह्मवत हैं। आपने सुना होगा, रामायण में पढ़ा होगा, तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। उल्टा नाम को जप करके जो पहले रत्नाकर थे, जो पहले लुटेरा थे, हत्यारा थे, वही नारद जी की कृपा से अब वाल्मीकि हो गए। पहले क्या थे? लुटेरा थे, लेकिन अब ब्रह्म के समान हो गए। पहले हत्यारा थे, लेकिन अब ये ब्रह्म के समान हो गए। पहले बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन अब ये ब्रह्म के समान हो गए। इतने बड़े संत हो गए। तो ये महर्षि वाल्मीकि यही झोपड़ी बना करके जंगल में रहते हैं। कहां पर? चित्रकूट में, जंगल में रहते हैं महर्षि वाल्मीकि। और भगवान श्री राम घूमते घामते इन्हीं की झोपड़ी में गए, तो जाकर के भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे महर्षि, मुझे मेरे पिताजी के आदेश से 14 वर्ष तक वन में रहना है और आप तो वनवासी हैं, कहिए मैं कहाँ रहूं? 14 वर्ष तक मैं निश्चिंत होकर के रह सकूं, निर्विघ्न रह सकूं, निष्कंटक रह सकूं, इसके लिए कहाँ रहूं? ऐसा स्थान बताने की कृपा करिए। तब महर्षि वाल्मीकि ने बड़े गौर से श्री राम को देखा है, भगवान राम को देखा है गौर से। और संत की दृष्टि बड़ी पैनी होती है, जैसे जौहरी होता है ना, जौहरी, जैसे जौहरी हीरे की पहचान कर लेते हैं,
उसी तरह से संत भी ब्रह्म की पहचान कर लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने गौर से देखा है, महर्षि वाल्मीकि के पास एक दृष्टि है जिसका नाम है आत्मदृष्टि। क्या नाम है? आत्मदृष्टि। और जो भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि के सामने खड़े हैं और महर्षि वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, यही महर्षि वाल्मीकि कभी दशरथ जी महाराज के सामने खड़े थे और दशरथ जी महाराज ने देखा था क्या, उनको जन्म भी दिया था, पाल पोस करके बड़ा भी किया था दशरथ जी ने भगवान राम को, बहुत कुछ किया था। किसने बोलिए ना? दशरथ जी ने गौर से देखा था, पर दशरथ जी महाराज के पास वाल्मीकि वाली दृष्टि नहीं थी। इसीलिए जब भगवान श्री राम अयोध्या से बन जाते हैं तो राम के वियोग में दशरथ जी महाराज प्राण त्याग देते हैं। जानते हैं इस बात को? राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुर धाम। राम के वियोग में शरीर का त्याग करके दशरथ जी कहाँ गए? स्वर्ग। जिस स्वर्ग के लिए भगवान ने खुद कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, वहाँ गए। ये कोई बहुत बड़ी गति इनकी नहीं है। और जहाँ बाद में जटायु भी गए, जहाँ बाद में रावण भी गए, वहाँ भगवान के पिताजी भी गए। ये कोई बहुत बड़ी गति उनकी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसीलिए क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के पास जो दृष्टि है उस दृष्टि को दशरथ जी महाराज ने प्राप्त नहीं किया। वो दृष्टि, उसको कहते हैं आत्मदृष्टि। क्या कहते हैं? आत्मदृष्टि। और सुनिए, दृश्य का ज्ञान दृष्टि के आधार पर होता है। दृश्य का ज्ञान दृष्टि के आधार पर होता है। आप कहावत सुने हैं ना, नजर बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। कहावत तो आप लोग जानते हैं कि नहीं? नजर बदली तो नजारे बदल गए। नजर का फिर है, नजर की बात है, नजर दृष्टि। अभी जो आप हम सबकी दृष्टि है ना, इस दृष्टि को क्या कहते हैं? स्थूल दृष्टि। ये चर्म चक्षु है, ये चमड़े की दृष्टि, चमड़े की आंख है। और एक होती है मानस की दृष्टि, उसको कहते हैं ख्याल की दृष्टि। अब ख्याल से बहुत बात को सोचते हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं, वो ख्याल की दृष्टि है। और एक होती है स्वप्न की दृष्टि। स्वप्नावस्था में बहुत तरह के दृश्यों का हम लोग अवलोकन करते हैं। ये तीन दृष्टि हो गई, जागृत की दृष्टि जिसको चर्म दृष्टि कहते हैं, स्वप्न की दृष्टि और एक मानस दृष्टि, है ना? ये तीन दृष्टि है। इन तीनों दृष्टियों का जब कोई साधना करके साधक निरोध कर देता है तब चौथी दृष्टि की प्राप्ति होती है जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। तब दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि में क्या होता है? दिव्य दृष्टि में दिव्य दर्शन होता है। दिव्य दृष्टि से देवताओं को आप देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि मिल जाने से आप किन्हीं के अंतःकरण को पढ़ सकते हैं। दिव्य दृष्टि मिल जाने से आप दीवार के पार की बात को देख सकते हैं, घटनाओं को देख सकते हैं। ये दिव्य दृष्टि की क्षमता है। और दिव्य दृष्टि का जो अतिक्रमण कर देते हैं, जिनके भीतर प्रकाश हो जाता है, उनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। और जो अपने भीतर में नाद ग्रहण कर लेते हैं, नादानुसंधान की साधना करके, उनको अपने भीतर में आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है। उसी आत्मदृष्टि से भगवान की असली पहचान होती है। यही दृष्टि है महर्षि वाल्मीकि के पास, जो दृष्टि दशरथ जी महाराज के पास नहीं थी। इसको कहते हैं आत्मदृष्टि। ऐसी को कबीर साहब कहते हैं रूह के नैना, चाम चश्म सो नजर ने आवे, खोज
रूह के नैना। दशरथ जी के पास क्या है? यही चर्म चर्चू है। और कबीर साहब कहते हैं चाम चश्म सो नजर ही ना आवे, खोजो रूह की नैना। रूह कहते हैं किसको? आत्मा को। आत्मदृष्टि की खोज कीजिए, उससे भगवान की पहचान होती है, नहीं तो कहाँ होती है। राम को तो बहुतों ने देखा, राम को सूर्पनखा ने भी देखा था, पर पहचाना क्या? राम को खरदूषण ने भी देखा था, पर पहचाना क्या? राम को बहुतों ने देखा पर नहीं पहचाना। राम को किसने पहचाना? केवट ने पहचान लिया है ना। राम को सबरी ने पहचान लिया। अभी देखिए ये महर्षि वाल्मीकि, ये रत्नाकर, ये पहचान है। नजर, नजारा तो वही है, पर नजर के फेर से किसी ने पहचाना और किसी ने नहीं पहचाना। नजर बदली तो नजारे बदल गए, जब किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। अब देखिए राम वाल्मीकि के सामने खड़े आप पूछ रहे हैं कि बताइए हे महर्षि, आप तो अरण्य वासी हैं, वनवासी हैं, आपका जीवन तो इसी जंगलों में बीतता है, आप कृपा करके बताइए कि मैं कहाँ रहूं। महर्षि वाल्मीकि आत्मदृष्टि से देखते हैं राम को। अच्छा तो आप हमको बरगलाना चाहते हैं, जोगी सामने धुरखेल कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पूछे हूँ मोहि कि रहो कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तह देहु कही तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आप मुझसे पूछ रहे कि मैं कहाँ रहूं, अब मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ नहीं है बताइए। आप पहले कहिए कहाँ नहीं है, तो आप जहाँ नहीं होंगे ना वही स्थान हम आपको रहने के लिए बता दें। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते अभी रहने जी, पोल पट्टी मेरा मत खुली। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं हकीकत का तो उजागर हम करके ही रहेंगे, यथार्थ जो हकीकत है वो तो कहना पड़ेगा ना। हे राम, क्या आप यही है जो आप मेरे सामने खड़े? ये तो आपका शरीर है, और हे राम ये आपका शरीर है भी नहीं, यह शरीर तो आपके शरीर का शरीर है। अभी जो है ना 3.5 हाथ का जो शरीर है, ये जो सामने खड़ा है ना, ये शरीर ये तो सूक्ष्म शरीर का शरीर है, और उसके भीतर में कारण का शरीर सूक्ष्म शरीर है, और उसके भीतर में महाकारण का शरीर कारण शरीर है, और उसके भीतर में कैवल्य का शरीर कारण महाकारण का शरीर है, और हे राम उसके भीतर में आप हैं, और आपका शरीर है कैवल्य शरीर, वह चिदानंदमय, चिदानंदमय देह तुम्हारी। सुन रहे थे ना पट, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे राम आपका शरीर भी ये नहीं है, आपका शरीर तो वो है कैवल्य शरीर जो चिदानंदमय है, उसको सब नहीं जानते हैं। कौन जानते हैं? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं विगत विकार, जो विकार रहित हो चुके हैं, जिनके भीतर किसी तरह का विकार नहीं है, वही उसको जान सकते हैं। विगत विकार जान अधिकारी, आप तो वो है। और हे राम उस कैवल्य शरीर के भीतर, उस चिदानंद में देह के भीतर आप हैं। आप कैसे हैं मालूम है? मैं कह दूं, अब भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सगुण दर्शन से क्या होता है? एक आदमी को भगवान का सगुण दर्शन हो गया, तप किया, तपस्या खूब किया, भगवान शंकर का दर्शन हो गया, कहा कि भगवान हमको वरदान दीजिए कि हम जो चाहे वो हो जाए। क्या ठीक है, एक घंटा लो, एक घंटा को बजा देना, जो चाहोगे वो हो जाएगा, लेकिन याद रखना इस घंटा को बजाते ही तुमको जो होगा पड़ोसी को दुगना हो जाएगा। क्या कहा? पड़ोसी को दुगना हो जाएगा। अब वो व्यक्ति कहता है कि राम राम राम, अब वो व्यक्ति कहता है कि राम राम, तपस्या हम करेंगे, मेहनत हमने की,
इतना परिश्रम तप हमने किया और दुगना पड़ोसी को होगा। देखिए भगवान का दर्शन सगुण दर्शन से ईर्ष्या रह जाता है, संत कैसे होते हैं। रामायण में लिखा है, राम भगवान का वचन है, पर दुख दुखी और सुख देखे पर, जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, जो दूसरों के सुख को देख करके सुखी हो जाए उसको कहते हैं संत। वो भगवान के स्वरूप को जानते हैं। आइए देखिए भगवान के रूप को जानने वाला भक्त ये कहता है, तपस्या हमने की और दुगना पड़ोसी को होगा। घंटा लेके गया घर, वहां पत्नी प्रतीक्षा में थी, कहा कुछ लाए, कहा घंटा लाया, कहा घंटे से पेट भरेगा। कहा देवी बड़ा चमत्कार घंटा है, क्या चमत्कार है। कहा भगवान शंकर ने वरदान में दिया है कि जो हमारे भीतर चाहना होगी ना, घंटा बजा करके चाहना करेंगे सब की पूर्ति हो जाएगी। तो पत्नी ने कहा तो बजाइए ना घंटा, जल्दी बजाइए, देखिए घर टूट गया है, कोई व्यवस्था नहीं, सब व्यवस्था कीजिए बजा बजा के। कहता कैसे बजा दें, कहा क्यों, कहा यदि घंटा हम बजा देंगे तो पड़ोसी को दुगना हो जाएगा ना। तो पत्नी कहती अपना तो सब हो जाएगा ना, कहा हाँ अपना तो होगा पर पड़ोसी को दुगना हो जाएगा। तो पत्नी कहती हो जाने दीजिए, ता हो कैसे जाने देंगे, तपस्या की हमने दुगना पड़ोसी को हो जाएगा। कहा कि सुनो, हम इसको अलमारी में रख के जाते हैं विदेश परदेश, आ कमा करके धन लाएंगे तब घर बनाएंगे, तुम थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, हम आते हैं उधर से। अब वो भगवान शंकर के वरदान को देखिए, दर्शन किया भगवान शंकर का लेकिन ईर्ष्या गया मन से। महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं, विगत विकार, हे विकार जब तक रहेगा तब तक वो जो सुखद स्वरूप है परमात्मा का नहीं जानिएगा। घंटा को रख दिया, चला गया कमाने के लिए दूसरे प्रांत दूसरे देश में चला गया, उधर बैल की तरह खटा 6 महीना साल भर, या पत्नी बेचारी परेशान, बच्चे के पालन पोषण में अपना घर द्वार देके परेशान। अच्छा 6 महीना हुआ उधर से, झल्लू को बिता जब हुआ कुछ 1000 रुपया हुआ तो लेकर के उधर से आया। पत्नी का धैर्य जब टूट गया, एक लोहार को बुला के अलमारी का ताला तोड़वा देती है, घंटा निकलवा लिया। अब पति ने तो सब बात कही दिया था, घंटा लिया पत्नी, आंगन में खड़ी होकर के घंटा को बजाती है, कहती हे भगवान सब ऐसी कृपा कीजिए मेरा घर बन जाए। ये घंटा दिया चोट घंटा पर, अपना दरवाजे पर खूब बढ़िया मकान बन करके तैयार हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर दो दो मकान बन गए, डबल होने की बात करें। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना हमारे दरवाजे पर एक मीठा जल वाला कुआं भी हो जाए। दिया घंटा पर चोट कुआं भी हो गया, अब पूरे गाँव में सबके दरवाजे पर दो दो कुआं हो गया। अब पूरे गांव में राम राज है, जो जो इसने चाहा सब इसको मिला, पूरे गांव में डबल हो गया। अब वो जब उधर से आया 6 महीने के बाद पति, कुछ 1000 रुपया लेके जब गांव के करीब आया तो देखा बिल्डिंग खड़ा है चारों तरफ, सोचा कि लगता है दाल में काला है। घर के पास जैसे गया तो देखा अपने दरवाजे पर एक ही बिल्डिंग और पूरे गाँव में सबके दरवाजे पर दो दो बिल्डिंग, अपने दरवाजे पर एक ही कुआं, पूरे गांव में सबके दरवाजे पर दो दो कुआं। इतने में उधर से पत्नी आती है, ये पूछता है अरे बजा दिया, पत्नी कहती है हम बजा दिए, का चौपट कर दिया, मेहनत हम किए थे, तुम सबको इतना लाभ दे रही है, लाओ घंटा हाँ कहाँ है। घंटा उसने लिया और दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करिए मेरा एक हाथ कट जाए। उसका हाथ कटा और पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गया। दर्शन किसका किया था, विरोध किसका करता था, सत्संग का विरोध करके जो दर्शन किया है परिणाम देखिए क्या होता है। इस संबंध में बड़ी बड़ी कथा है पुराणों में, सब सुनिएगा तो फिर आप परेशान हो जाएगा सोच करके, ये तो कथा हम आपको एक नमूना के रूप में सुना है। तब भी व्यक्ति को संतोष नहीं हुआ, फिर घंटा लिया, कहे हे भगवान ऐसी कृपा कीजिए
मेरे एक आंख भी फूटे है, मर दिया घंटा में चोट, एक आंख उसकी फूटी है, पूरे गांव के दोनों आंख फूट गई। अब पूरे गांव में सब सूरदास है, सब अपाई, तब भी व्यक्ति को संतोष नहीं हुआ। फिर लिया घंटा, है भगवान शंकर ऐसी कृपा करना, मेरे दरवाजे पर जो कुआं है ना वो नाढ़ा हो जाए। नाढ़ा समझते हैं, धरती से ऊपर रहते ना कुआं की दीवार, वो झड़ करके धरती के लेवल में आ जाए। वही अब सबके दरवाजे पर दो दो नाढ़ा कुआं हो गया, न किसी को आंख है न किसी को हाथ है, जो जिधर जाते सब केला के थम्ब की तरह धम धम उसी नाढ़ा कुआं में गिर के। जहां राम राज था, एक ही दिन में पूरा गांव मर मिट करके शमशान बन गया। ये ईर्ष्या की भाव, भगवान कहते हैं ईर्ष्या की भावना, भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद महीन भारत सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परम तपः येषां तद्गतं पापानां जन नाम पुण्य कर्मणां ते द्वंद मोहनिता भजन्ति माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं जो ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर के पवित्र होकर के तब मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं वो सुखी होता है। ये पात्रता आपको मिलेगी सत्संग में। वही महर्षि वाल्मीकि ने कहा चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंद देह किसको कहते हैं? अभी जो आपका शरीर, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। एक ही शरीर आपका नहीं है ना, इसके भीतर में है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर में है कारण शरीर, और उसके भीतर में है महाकारण शरीर। चारों जड़ शरीर है, जब चारों जड़ावरण झड़ेगा तब केवल शरीर जो है वही भगवान का, वही इसी के लिए कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारी, वही भगवान का अपना शरीर। उसी को जो जान ले, वहां जाने के बाद, वही जाने के बाद आत्मदृष्टि खुलती है, तब अपना भी बोध हो जाता है और परमात्मा का भी बोध हो जाता है। ऐसा कोई भी कर ले उनको लाभ हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन जाइए तब भी लाभ नहीं होगा। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम हो। इसलिए हमें अधिकारी बनने के लिए, जान अधिकारी, गुरु के पास जा करके दीक्षा लेकर के और ध्यान करेंगे तब लाभ होगा। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये महर्षि वाल्मीकि पूरा होलिया बता रहे हैं भगवान। आप क्या है मैं बताऊं? हे राम, राम स्वरूप तुम्हार, हे राम आपका जो स्वरूप है ना, ये शरीर क्या है? रूप है, ये रूप है। इसके भीतर में जो आप हैं स्वरूप, स्व मतलब अपना रूप, अपना आप क्या हो? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार, आपका स्वरूप कैसा है, आप कैसे हैं? तो वचन अगोचर बुद्धि पर, हे राम आपके स्वरूप का निर्णय किसी के बुद्धि नहीं कर सकती है। आपके स्वरूप के बारे में किसी का वचन कहने में समर्थ नहीं है। आपके स्वरूप के बारे में कोई भी इंद्रियां ये ज्ञान नहीं कर सकती है। सुन रहे हैं कि सो रहे हैं सब है? सीधा हो गए, बैठ जाए, नींद नहीं है। सोचते हैं कि बाबा हमको थोड़े करे, दूसरे को करे, आप ही लोग को कह रहे, सोने वाले आप ही को कह रहे। सावधान होकर सुनिए, क्या कह रहे थे? हे राम आपका जो स्वरूप है ना, उसके विषय में कोई वचन से नहीं कह सकता, वर्णनातीत है। आपका जो स्वरूप है वो किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। वचन अगोचर बुद्धि पर, अब देखिए अगला शब्द का जो प्रयोग करते हैं, अभिगत, अभिगत
अभिगत का अर्थ क्या होता है? अ मतलब नहीं, अभिगत मतलब खाली, जिनसे कहीं भी खाली नहीं है वही हो आप, जिनसे कहीं भी खाली नहीं है वही है आप। विचार कीजिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कि जो भगवान का स्वरूप है वो अत्यंत सूक्ष्म है, उसको कहते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म है? उससे ज्यादा सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, मिट्टी और जल दोनों में सूक्ष्म कौन है? मिट्टी और जल में, मिट्टी और जल में दोनों में ज्यादा सूक्ष्म कौन है? जल है ना। आप एक गिलास में जल लीजिए आधा गिलास जल लीजिए और एक ढेला उसमें मिट्टी का डाल लें, क्या होगा? डूब जाएगा ना। अच्छा एक बात और बताइए, इस धरती पर ये जो पृथ्वी, ये जो संसार है, संसार में पानी ज्यादा है कि मिट्टी ज्यादा है? पानी कितना गुना ज्यादा है? चार भाग में तीन भाग पानी है, एक ही भाग पृथ्वी है, मिट्टी, पता है? अच्छा पृथ्वी है कहाँ? ये जल के ऊपर है। कहाँ है पृथ्वी? कहाँ है? ये जल के ऊपर टिका हुआ है, अद्भुत बात है। लेकिन तीन भाग जल है और एक भाग पृथ्वी है, मिट्टी है, उतने जल में रह करके भी ये पृथ्वी डूब नहीं रही है। ये क्या है? यही भगवान कहते हैं गामा विश्च भूतानी धारियाम में हमोजसा। इस पृथ्वी में प्रवेश होकर के मैंने इसको धारण करके रखा है, नहीं तो कब के डूब गए होते। क्योंकि ये स्थूल है ना, अब पानी सूक्ष्म है, उसमें डूब जाना चाहिए था इसको। अब ग्लास में लीजिए जल, एक मिट्टी का ढेला डालिए, क्या होगा? डूब जाएगा। अब जैसे डालेंगे तो मिट्टी उसमें डूब जाए, और डूब करके क्या होगा? मिट्टी के रग रग में, कण कण में जल भरा हुआ होगा कि नहीं? मिट्टी के ढेला में, रग रग में, कण कण में, रत्ती रत्ती में, रता रवा में जल भरा हुआ होगा। उस मिट्टी के ढेला को हाथ में लीजिए और फिर रखिए, आपके हाथ में भी पानी लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पानी उसके भीतर घुस करके उसके बाहर भी था, सूक्ष्म है ना पानी। तो जैसे मिट्टी से पानी सूक्ष्म है, तो मिट्टी के रग रग में, कण कण में, रत्ती रवा में घुस करके पानी है, उससे बाहर भी है। इसी तरह से ईश्वर परमात्मा सबसे ज्यादा सूक्ष्म है कि नहीं? सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। मिट्टी से सूक्ष्म है जल, और जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है हवा, हवा से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है चित्त, और चित्त से सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से भी सूक्ष्म है जीव, और जीव जो है वो चैतन्य है, और चैतन्य चैतन्य परमात्मा है। समझिए कितना सूक्ष्म है। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा सब में भर करके, इसलिए कहते हैं अभिगत, मतलब सब में भर करके उनसे बाहर भी है। जैसे छोटा सा उदाहरण आप देखें ना, आप मिट्टी को डालिए पानी में, तो पानी मिट्टी के रग रग में भर करके मिट्टी से बाहर भी होगा। आप एक लोहा का गोला ले, लोहा का गोला, अब लोहा और अग्नि दोनों में सूक्ष्म कौन है? समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा? लोहा और अग्नि दोनों में सूक्ष्म कौन है? अग्नि है ना। आप एक लोहा लीजिए और लोहा को डाल दीजिए अग्नि में, क्या होगा? अग्नि उस लोहा के कण कण में घुस करके और बाहर भी रहती है, तब ना आप पकते हैं, जलते हैं। उसको उठा लीजिएगा हाथ में, क्यों नहीं उठा सकेंगे? क्योंकि उसके भीतर भी आग कण कण में भर गई है और उसके बाहर भी आग है। यही उदाहरण बतलाता है कि परमात्मा सब में भर करके और सबसे बाहर भी है।
यही ये अद्भुत बात है। वही वाल्मीकि जी कहते हैं अभिगत, आप अभिगत हैं, हे राम आपसे कहीं खाली नहीं है। मतलब ये हुआ वाल्मीकि जी का राम अयोध्या में भी है और वाल्मीकि जी का राम चित्रकूट में भी है, और वाल्मीकि जी का राम सब जगह भी है, क्योंकि वाल्मीकि जी के पास आत्मदृष्टि है। इसलिए यहाँ पर शोक संताप नहीं है, आत्मदृष्टि इनके पास है। अभिगत अकत अपार, अपार का मतलब जिनका वार पार नहीं है, कहाँ से शुरू है और कहाँ अंत है ये कोई कह नहीं सकता। आदि अंत रहित, हम लोग क्या कहते हैं रोज पाठ में, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक, सर्वव्यापक कह दिया, और सर्वव्यापकता के भी परे, कितना अद्भुत बात। हे राम आप ऐसे हैं, आप ऐसे खड़े हैं और आप पूछ रहे हैं ना कि कहाँ रहे हैं, मतलब क्या हुआ? आप ये सारे तीन हाथ के आप नहीं पूछ रहे कहाँ रहे हैं, आप ये जो अभिगत है ना, ये जो आकत है ना, आप ये जो आदि अंत रहित है ना, उसको रहने की जगह चाहिए। समझ में आ रहा है? ये कहाँ रहे? और हे राम ये जो आपका स्वरूप है इसको सब नहीं जानता। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, देव न जाने मरम तुम्हारे, और तुम्हें को जान निहारे। अच्छा परमात्मा क्या करते हैं? वो लीला देखते हैं। संसार में कहां पर क्या हो रहा है सब भगवान देख रहे हैं, कौन लड़ रहा है वो भी भगवान देखते हैं, कौन आपस में झगड़ता है वो भी भगवान देखते हैं, कौन आपस में प्रेम करता है वो भी भगवान देखते हैं, कौन चोरी करता है वो भी भगवान देखते हैं, कौन दान करता है वो भी भगवान देखते हैं, जो कौन कत्ल करता है वो भी भगवान देखते हैं, कौन जीवन रक्षा कर रहा है वो भी भगवान देखते हैं। लेकिन कत्ल करने वाले पर भगवान को क्रोध नहीं है और जीवन रक्षा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं है, उदास है, उदासीन है, उदासीन नित रहिए गोसाई, उदासीन है भगवान। लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं भगवान। जग पे खन तुम देख निहारे, कत्ल करने वाले पर भगवान गुस्साते नहीं है क्योंकि वहां क्रोध है ही नहीं, और किसी की रक्षा करने वाले पर भगवान बहुत ज्यादा तरस भी, भगवान तरस भी नहीं खाते कि देखो ये बड़ा काम कर रहा है तो वहां जाके नाचने लगो, उनकी तारीफ करने लगो, वो भी नहीं करते। भगवान देखते हैं, अच्छा करने वाले को भी भगवान देखते हैं, बुरा करने वाले को भी भगवान देखते हैं। हाँ जब फल पाने का समय आएगा तब भगवान अलग अलग फल दे देते हैं, लेकिन लीला देखते हैं कि नहीं? अच्छा लीला देखने में आनंद होता है कि लीला में शामिल होने में आनंद होता है, बताइए? नाटक देखने में अच्छा लगता है कि नाटक करने में अच्छा लगता है? लीला देखने में अच्छा आनंद है कि लीला में शामिल होने में आनंद है? लीला में जो शामिल होता है वो टेंशन में रहता है, अरे कहीं मेरा एक्टिंग गलत ना हो जाए, कहीं मेरा अभिनय खराब ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, है कि नहीं? कितना टेंशन रहता है बताइए? अभिनय करने वाले को, तमाशा करने वाले को टेंशन होता है, और देखने वाले को होता है? रहता है टेंशन? आनंद से देखते रहिए, देखने वाले को कोई टेंशन नहीं। अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम एकदम अभिनय कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं तो हमको दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पूरा मेरा माइंड अभी एक्टिव है, अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आपको पता मेरा दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है? मेरा दिमाग आप सबको भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर वेद को भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर रामायण को भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर गीता को भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर संत कबीर की वाणी को, गुरु नानक की वाणी को, तमाम संत महापुरुषों की वाणी का अवलोकन भी कर रहा है, और आपके हृदय का भी अवलोकन कर रहा है, और सबका निर्णय करके तब मुंह से हम उगल रहे हैं। कहिए कितना टेंशन है?
और आपको कोई टेंशन है? आप आराम से बस सुनते हैं, आप मुस्कुराते हैं, हमको कितना टेंशन है बताइए। तो आनंद किसमें? आनंद तमाशा करने में नहीं, तमाशा देखने में। तो भगवान तमाशा करते नहीं, भगवान तमाशा देख रहे हैं। जग पे खंड तुम देख निहारे, अभी हरि शंभु नचाव निहारे। अभी यहाँ आप लोग देख रहे हैं ना, हम अकेले एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, आप लोग को आनंद आ रहा है? हमको भी बहुत कभी आनंद आता है, कभी कभी देखते हैं ना, ऐसा ऐसा संसार में एक्टर है जो आपस में लड़ता है, हम देखते हैं, हमको आनंद आता है ना। ऐसे भी लोग हैं जिसको आपस में बहुत अपनापन है, प्रेम है, उनके प्रेम को भी हम देखते हैं घरों में तो सुखी होते हैं। और जो आपस में लड़ते झगड़ता है, कितना रुसना देव है, कितना रुसना देव है कि नहीं संसार में? आपस में लड़ते झगड़ता है, रुसता है, रुठता है, हम कहते हैं वाह, अपना अलग होकर के हम सब तमाशा देखते हैं, आनंद लेते हैं। अगर हम भी उसी तमाशा में मिल जाएंगे तब हमारा भी आनंद खत्म हो जाएगा। तो हमको तमाशा बनना नहीं है, हमको तमाशा देखना है। आप लड़ते रहिए, आप प्रेम करते रहिए, आप मुंह फुलाते रहिए, और हम वो तमाशा देख करके आनंद लेते रहेंगे। बस ये हमने अपना रोल थोड़ा बदल लिया, आनंद है कि नहीं? जग पे खंड तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आपके घर में भी बहुत इस तरह के लोग होंगे है कि नहीं? आप ये मत समझिए केवल हमारे लिए ये है, आप लोग के घर में भी इस तरह के बहुत लोग होते हैं है कि नहीं? आप भी तटस्थ रहिए घरों में, आप भी घर में तमाशा देखिए, तमाशा बनिए मत। जब तमाशा देखने वाले आप बन जाएंगे, एक दिन धीरे धीरे तमाशा भी ठीक हो जाएगा। जो तमाशा में ही कूद पड़ता है तब रस भंग हो जाता है। देखिए तमाशा देखने वाले बनिए घर में। जग पे खंड तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। वाल्मीकि जी कहते हैं राम, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो। हे राम, आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, लेकिन मैं जान रहा हूं। हे राम, मैं आपको जान रहा हूं, और आप तो वो जानते हैं जिन पर आपकी कृपा होती है, आपको वही जानते हैं। कौन जानते हैं? सोई जाने चाहे देहु जनाई। हे राम, आपको वही जानते हैं जिसको आप जनाना चाहते हैं। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उड़ चंदन। सोई जाने चाहे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हे राम, आपको वही जानते हैं जिसको आप जनाना चाहते हैं, और जो आपको जान लेते हैं ना वो आप ही हो जाते हैं। और ये राम का ही सिद्धांत है। हनुमान जी से यही बात भगवान ने कही थी, दर्शना दर्शन हित्वा केवल रूपतः यास्ति कपि शार्दूल ब्रह्म सो ब्रह्मविद स्वयं। भगवान ने कहा था, हे हनुमान, हे पवन तनय हनुमान, जो पुरुष दृश्य और अदृश्य को त्याग कर कैवल्य स्वरूप हो जाता वह ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि ब्रह्मविद हो जाता है। कौन कह रहे ये बात? सोई जाने ही जही देव जन है, मतलब राम के ही बात का भगवान ने, भगवान की ही बात का महर्षि वाल्मीकि ने समर्थन किया। भगवान की उक्ति को मानो वाल्मीकि जी ने दोहरा दिया। जो राम का अनुभव है वही महर्षि वाल्मीकि का अनुभव है, एक ही ज्ञान है दोनों। अब कहते हैं, अब सुनिएगा ध्यान से आप लोग, अब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राम, आप हैं ये। कौन है आप? आपसे कहीं खाली नहीं है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति में भर करके उससे परे भी आप हैं ये, और आप मन बुद्धि वचन से भी परे हैं। और हे राम, आप संसार रूपी तमाशा के दृष्टा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जानते हैं,
आपको वही जानते हैं जिनको आप जनाना चाहते हैं, और हे राम जो आपको जान लेता है वो आप ही हो जाते हैं। और अब आप पूछते हैं कहाँ रहूं, तो सुन लीजिए अब आप कहाँ रहिएगा वो स्थान मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। कितना स्थान बताया है? 14 स्थान बताया वाल्मीकि ने। कितना स्थान? 14 स्थान। कभी गिनती किए हैं? कोई गिनती किए? 14 स्थान कहाँ कहाँ भी वर्णन है रामचरितमानस में। तो महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को रहने के लिए 14 स्थान बतलाए, आप यहाँ 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 रहिए। उसमें पहला स्थान बतलाते हैं, कहाँ बताए हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन कह ही तुम कह गृह रूरे। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं राम जिनका कान समुद्र के समान हो जाए और आपकी कथा नदियों के जल प्रवाह की तरह हो जाए, जैसे नदियों के जल से कभी भी समुद्र नहीं भरता, इसी तरह से आपकी कथा से जिनका कान कभी नहीं भरता है, हे राम आप ऐसे के हृदय में रहे। इसका मोटा अर्थ, इसका स्थूल अर्थ, मोटा अर्थ क्या हुआ कि जो सत्संग सुनते सुनते कभी आघाए नहीं, जो सत्संग में खूब जिसका मन लगे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा और तेरा काल सरे सारा, जो प्रतिदिन सत्संग कर कभी मन उबे नहीं। और सुनिएगा जरा, आपके घर के सत्संग का महत्व अलग है, वो तो आपका दैनिक क्रिया है, दैनिक नियम है, उसका अलग वैल्यू है, अलग महत्व है उसका। लेकिन जहां पर विशेष सत्संग हो, उस सत्संग में मन रमे, मन लगे, उसका महत्व अलग है। अब यहां देखते हैं चल रहा है ना सत्संग, 19 तारीख से शुरू हुआ, कब तक चलेगा? 25 तक चलेगा। हम बैठ के तमाशा देख रहे, आज जो आएंगे तो कल नहीं आएंगे, कल जो आएंगे तो फिर परसों नहीं आएंगे। इसमें तो कुछ लोग को अति आवश्यक काम होता है इसलिए नहीं आते हैं, कुछ के साथ में कोई मजबूरी हो जाती है इसलिए नहीं आते हैं, आ कुछ लोग इसीलिए नहीं आते हैं कि रोज जाएंगे तो हमारा पोजीशन थोड़ा डाउन हो जाए, इसलिए कभी कभी चलो थोड़ा पोजीशन बरकरार रहे। अरे ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा मत कर। नहीं, एक बात सुन लीजिए, सत्संग को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग को फल कहा है। फल क्या कहा है? किसका फल है? सत्संग को फल कहा है। ये सत्संग सबको नहीं मिलता, फल सबको नहीं मिलता। किसका फल है सत्संग? किसका फल है? पुण्य कर्म का फल है सत्संग। किसका फल है? अगर आपको सत्संग मिल रहा है तो समझिए आपके पुण्य कर्म आपको फल दे गया। फल, आपने पुण्य कर्म का पेड़ लगाया ना, बिरवा लगाया, पेड़ लगाया, और पुण्य कर्म जब पक गया, वो जब हो गया, योग्य हो गया, उसमें एक फल लगा और आपको वो मिल गया, उसी का नाम है सत्संग। ये सत्संग एक फल है। किसका फल है? आपके भाग रूपी पेड़ का फल है। आपने पढ़ा है रामायण में, पुन पुंज बिनु मिलहि न संता, पुन पुंज बिनु मिलहि न संता, आ सत्संगति संसिद्धि कर अंता। बिना पुण्य की पूंजी के सत्संग नहीं मिलता, मतलब ये हुआ पुण्य का फल है ये सत्संग, ये आपके भाग रूपी, हम सबके भाग रूपी पेड़ का फल है सत्संग। भाग्यो देन बहु जन्म समर्जिते न सत्संगम चलबते पुरुषो यदावे,
अज्ञान हेतु कृतमोद मदांधकार ना सब विधाय है तदोदयति विवेक। ये देवर्षि नारद जी का वचन है। देवर्षि नारद जी कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में अनेकों जन्मों का भाग्यों का उदय होता है, मतलब जब भाग फलीभूत होता है तब जाकर के सत्संग मिलता है। ये हमारे भाग रूपी पेड़ में लगा हुआ फल है सत्संग, समझ में आया? ये फल अगर सत्संग मिल रहा है तो समझिए आपके भाग ने फल दिया, अगर सत्संग मिल रहा है तो समझिए आपके जन्मों के पुण्य ने आपको सत्संग रूपी फल प्रदान किया। ये फल अगर सत्संग मिले तो समझिए हमारे ऊपर जो अब तक ईश्वर की कृपा रही है उसी कृपा का फल है सत्संग। फल ईश्वर कृपा का फल है सत्संग। उमा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न हो सो। बिना ईश्वर की कृपा का सत्संग मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि आपको किसी भी तरह से सत्संग मिल रहा है, कोई बहाना करके, किसी माध्यम से, किसी योग से, किसी संजोग से, किसी भी तरह से, किसी भी योग से, अगर किसी भी तरह से सत्संग मिल रहा है तो समझिए आपके ऊपर जो अब तक ईश्वर की कृपा थी वही फलीभूत हो गई और उसी ईश्वर की कृपा के फल से ये सत्संग रूपी फल मिला। ये सत्संग क्या है? ये फल है। अच्छा, फल कैसा होता है? फल बढ़िया होता है कि पेड़ बढ़िया होता है? बोलिए, आम का पेड़ बढ़िया कि आम का फल बढ़िया? आम के पेड़ का स्वाद चाहिएगा तो पेड़ में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? फल में नहीं मिलेगा। तो पेड़ बढ़िया कि फल बढ़िया? फल बढ़िया। दो व्यक्ति गए आम के बगीचा में, तो एक व्यक्ति गया तो हिसाब लगाने लगा, देखें कितना पेड़ है, वो गिन रहा पेड़, कितना मालदा है, कितना कृष्ण भोग है, कितना बिजू है, वो आम की गिनती कर रहा, पेड़ों की गिनती कर रहा बगीचा में। आ एक व्यक्ति गया, देखाई पेड़ में बहुत आम पका हुआ, वो चढ़ गया और तोड़ तोड़ करके छिल छिल करके आम खा रहा भर पेट। और आधा घंटा के बाद दोनों निकला बगीचे से बाहर, तो अब बाहर जब निकला तो एक दिखाता है कागज, देखो हमने इतना हिसाब किया, लेकिन भूख से जान जा, एक अपने तोंद पर हाथ फेर रहा है कि देखो मेरा पेट टनाटन है, तो किसको लाभ हुआ बताइए? वो गिनती करने वाले को लाभ हुआ कि जो आराम से बैठ करके फल खाया उसको लाभ हुआ? अरे पेड़ पेड़ है, पेड़ का जलावन बनेगा और कुछ बनेगा, पर अगर पेड़ का मजा लेना है तो उसके फल को खाइए ना, तब ना लाभ होगा। ऐसे ही पुण्य एक पेड़ है, ऐसे पुण्य से मिलने वाला कुछ नहीं, पेड़ है वो। बहुत कुछ होगा तो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग के लिए भगवान का सुने ना वचन, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी कहते हैं। पुण्य एक पेड़ है, फल तो सत्संग है। भाग एक पेड़ है पर फल तो सत्संग है। ईश्वर की कृपा एक पेड़ है, फल तो सत्संग है। तो आपको क्या चाहिए? फल चाहिए कि पेड़ चाहिए? फल चाहिए, सबको चाहिए फल। आ गिनते हैं पेड़, अब कितना सत्संग करेंगे? बहुत हो गए। तो चाहिए फल, आ गिनते हैं पेड़, तो ये होगा, ये फल चाहिए। अगर वही वाल्मीकि जी कहते हैं ये बोध जिनको हो गया है कि उसको सत्संग के बिना रह पाएगा वो, क्यों हम पेड़ के पास जाएं जब फल हमको सत्संग मिल ही रहा है, तो हम फल खाएंगे कि नहीं? फल खाइए, खजूर का फल खाइए, खजूर के पेड़ से कुछ मिलेगा? बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगर आपको पासे में खजूर मिल रहा है तो काहे के पेड़ में अपने जाएंगे धूप में चढ़ने के लिए? फल ग्रहण कीजिए।
फल चाहिए। ये बोध जिनको हो गया है कि सत्संग हमारे पुण्यों का फल है, सत्संग हमारे भाग्यों का फल है, और सत्संग ईश्वर की कृपा रूपी पेड़ का फल है, कहिए वो सत्संग के बिना रह पाएगा? अच्छा, वो अपने को पोजीशन में लाने के लिए सत्संग को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी का नाम सुने? हनुमान जी का नाम, हनुमान जी कब आते थे सत्संग में? सबसे पहले। और जाते थे कब? सबसे पीछे। और बैठते थे कहाँ? सबसे पीछे। और थे कैसे? ज्ञानी नाम अग्रगण्य। पोजीशन देखिए कितना बड़ा है हनुमान जी का, पोजीशन कितना बड़ा है कि भगवान शंकर के एकादश रुद्रावतार है भगवान ये हनुमान जी, जिनके लिए राम खुद कहते हैं भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं। हे भाई, इस हनुमान से हम उऋण कैसे हो सकते हैं? कितना बड़ा पोजीशन है हनुमान जी का, जिनके लिए माँ सीता, माँ सीता को पढ़िए इतिहास रामायण में, सीता माँ का पता भी लगाए हनुमान जी। और जब रावण का वध हो गया, जब भगवान ने रावण का वध किया, तो ये सूचना देने के लिए भी हनुमान जी ही गए सीता के पास, गए कि नहीं? किसी ने नहीं गया, और हनुमान जी अपने से गए थे। हनुमान जी, भगवान कहते हनुमान जी से, हनुमान जाओ वैदेही को खबर कर दो कि अब रावण मारा गया, अब वैदेही मेरी है, जाओ सूचना दे दो। और जैसे सीता के पास जाते हनुमान जी, तो सुनाते हैं कि हे माँ, अब रावण का वध हो गया। और जैसे माता सीता सुनती है तो क्या होता है, क्या होता है? रामायण में लिखा है तन फुलक, तन अति हरस, तन मन पुलक लोचन। अति हरस, माँ सीता बहुत प्रसन्न होती है सुनके। अति हरस तन मन पुलक लोचन, आ सजल कह पुनि पुनि रमा। सीता के आंख में आंसू भर गया। क्यों क्यों आंसू आया? इसलिए कि सीता कहती है जब मेरा पता लगाना था तो इन्होंने ही लगाया था, और आज जब रावण का वध हो गया है, मुझे मेरे प्रभु से मिलने का क्षण जब आया है, तो ये सूचना भी इन्होंने दिया। अति हरस तन मन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो ही त्रैलोक मम कपि, किमपि नहीं वाणी समा। हे हनुमान, हे पुत्र, आपको मैं क्या दूं? तीनों लोकों में मैं नजर दौड़ा रही हूं, लेकिन आपके देने योग्य वस्तु कोई मिली नहीं रही। पोजीशन देख रहे हनुमान जी का कितना बड़ा है, ऐसा पोजीशन की निगाह, जिनके लिए सीता माँ के आंखों में आंसू है। अति हरस तन मन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो ही त्रैलोक मम कपि, किमपि नहीं वाणी समा। तीनों लोगों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको दे करके आपका कृतज्ञ हो सके, आपसे उऋण हो सके। हे हनुमान, क्या दूं आपको? हे पुत्र, क्या दूं आपको? कितना बड़ा पोजीशन है, देखिए हनुमान जी। और तब हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनो माँ तुम्हें पायो अखिल जग, राजू आज न संशय। देखिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, आज मैंने अखिल जग का साम्राज्य पा गया। तो सीता जी को थोड़ा झटका लग गया कि लगता है प्रभु ने इनको सार्वभौम सम्राट तो नहीं बना दिया, ये तो मंत्री थे सुग्रीव के, इनको सार्वभौम सम्राट तो नहीं बना दिया। हनुमान जी कहते हैं, सुनो माँ तुम्हें पायो अखिल जग, राजू आज न संशयम। हे माता, आज मैं अखिल संसार का राज पा लिया। कैसे पा लिया? कैसे? सीता जी कहते कैसे कैसे पा लिया आपने? हनुमान जी देखिए कितना सुंदर कहते, रण जीती रिपुदल बंधु जूत, पश्चामी राम मनामयम। हे माँ, प्रभु ने शत्रु को जीत लिया है और अपने निवास में स्वस्थ हैं, कुशल हैं, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है? यही मिलना मानो मैंने संसार का राज पा लिया। कितना बड़ा पोजीशन है,
इतना जैसे हनुमान जी ने कहा, तुरंत सीता माता कहती है, सुनो शुद्ध सदगुण सकल तब रे बसहु हनुमंत। हे हनुमान सुन लो, आज मैं तुमको वरदान देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि दुनिया का सब सदगुण आपके भीतर बस। सुनो शुद्ध सदगुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत, असानु कुल रघुकुल मणि। सानु कुल रघुकुल मणि समेत अनंत, लक्ष्मण जी के सहित रघुकुल मणि श्री राम आपके सदा अनुकूल बने रहे और दुनिया का सारा सदगुण आपके भीतर वास करे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये माँ सीता आशीर्वाद दे रही है किनको? हनुमान जी को। आज सत्संग में कब आते हैं हनुमान जी? आप लोग बताइए, पोजीशन वाला आदमी सब बेचारे सबसे पहले आते हैं। आप भूत ने कहा था ना तुलसीदास जी से, भूत ने कहा था ना कि हे तुलसीदास, हम आपको भगवान से नहीं मिला सकते, लेकिन भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते। भगवान से हम नहीं मिला सकते आपको, लेकिन जो भगवान से मिलाने वाले है ना, उनसे आपको मिला सकते। कहा वो कौन है? कहा वो तो मेरा शत्रु है, हनुमान। जब नाम सुनावे भूत पिशाच। अच्छा, दुश्मन का आपको ज्यादा पता रहता है? लोग नहीं रहता, जो आपके शत्रु है ना, आप उसका पल पल का खबर रखते हैं। अभी वो कहाँ होगा, उसका लोकेशन आप हमेशा अलर्ट रखते हैं, लेकिन अभी कहाँ, अभी किधर होगा वो हमेशा रखते हैं। मित्र के लिए उतना परवाह आप नहीं करते हैं, मित्र तो कहीं होंगे, ठीक है मिल लेंगे, फोन करेंगे मिल जाएंगे, लेकिन शत्रु कहाँ है ये पल पल की खबर लोग रखते हैं कि नहीं। तो भूत प्रेत का शत्रु कौन है? हनुमान, साधु और संत, ये भूत प्रेत का शत्रु है। वो भूत ने कहा कि हे तुलसीदास, हम आपको भगवान से तो नहीं मिला सकते, परंतु भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हैं। बोले कौन है? कहा वो मेरा शत्रु है जिनका नाम है हनुमान। कहाँ मिलेंगे वो? वहां जो सत्संग हो रहा है ना, उसी जगह पर मिलेगा। तो वहां तो बहुत लोग होते हैं, का हम टेक्निक बताते हैं उनके पहचानने का। क्या टेक्निक है? बोले एक काम करना, आप वहां आप दूर में रहना और देखना सत्संग स्थल पर सबसे पहले कौन आता है, ध्यान रखना। और फिर देखना सत्संग खत्म होने के बाद सबसे पीछे कौन जाता है, ध्यान रखना। जो सबसे पहले आएगा और सबसे पीछे जाएगा और सबसे पीछे बैठेगा वही होगा हनुमान। अब पोजीशन कितना बड़ा है हनुमान जी का? भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। वो पोजीशन है जिनका, वो देखिए कहाँ बैठते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि हनुमान जी को ये पता है कि सत्संग पुण्य का फल है, सत्संग भाग्यों का फल है। राम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अकथ। क्या है? अकथ। ये अकथ कथा कहाँ मिलेगी? ये राम कथा कहाँ मिलेगी? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वे कहते हैं, सुखमन के घर राग सुनी। कहाँ मिलेगी ये सत्संग? तो आपको यहाँ मिल जाएगा ये कथा डुमरिया में, लेकिन वो कथा कहाँ मिलेगी? सुखमन के घर राग सुनी, सुन मंडल लिबलाय। अब देखिए अकथ कथा विचारिए, वो राम की कथा है वहां। अकथ कथा विचारिए मनसा मन ही समाय, वो है राम की कथा। कथा तुम्हारी जो सुखमना में अपने वृत्ति को अपने दृष्टि को स्थिर करके रखते हैं, तो वहीं पर भगवान की कथा प्रकट होती है। वही शबद निरंतर से मन लागा मनिल वासना भागी, उठत बैठत सोवत जागत कबहू न छूटे ऐसी ताली लागी। कबीर साहब कहते हैं सोवत जागत उठत बैठत जम जालिम पचिहारा, सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा। दरिया साहब बिहारी की वाणी है, सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिनझिन झिनझिन जंतर बाजे दिस दिन जम जालिम पचिहारा। यही है राम कथा।
ये राम कथा कहाँ मिलेगी? इस राम कथा को सुनने के लिए जो वाल्मीकि जी कहते कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, इस कथा को सुनने के लिए सुखमना का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। पर सुखमना का ज्ञान गुप्त ज्ञान है, भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं होता नहीं अब हो नारा है नहीं। तुलसी कहे सुनाए तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। ये राज बातिन है, ये भीतर का गुप्त भेद है, ये गुरु दीक्षा में बतलाया जाता है कि वो सुखमना कहाँ पर। उस सुखमना को जो गुरु से जान ले सीख ले और वहां पर रोज सुखमना में दृष्टि लगाने का अभ्यास करे, तो दृष्टि लगाने के अभ्यास जो आप करेंगे तो क्या होगा? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, अरसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। चुटमुट के